नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 15th टाइम 2020 को होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाकर आपको नोटिफाई कर दिया गया था। 17th ऑफ अक्टूबर को ये अपडेट आई थी कि जो आपका एग्जाम 8th ऑफ नवंबर को होने वाला है भाई, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। आज 20th अक्टूबर जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दिन AIB की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आ चुकी है और पूरा का पूरा एग्जाम शेड्यूल उन्होंने नोटिफाई कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि कब तक रजिस्ट्रेशन ऑन है, कब तक बंदे फॉर्म भर सकते हैं और कब तक जो है लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, कब एडमिट कार्ड्स होंगे और फाइनली हमारा एग्जाम कब होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15th टाइम वाला कब होगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूंगा। जिन लोगों को आईपीसी की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट आईपीसी की प्रोवाइड होगी। और जिन बंदों को अपने माइनर एक्ट्स बिल्कुल भी, वो जो माइनर एक्ट्स के लिए स्ट्रांग नहीं है, उनको माइनर एक्ट्स अगर अपने कवर करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक होगा। बहुत रीजनेबल प्राइस में आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, कि कब तक अब जो बंदे रह गए थे फॉर्म भरने से, कि जो अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उनका रिजल्ट आ चुका है, क्या वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। आप अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, स्टेट बार काउंसिल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराइए। फिर उस रजिस्ट्रेशन होने के बाद 3 दिसंबर से पहले पहले आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो 3 दिसंबर 2020 तक जो है अब आपकी डेट्स ऑन है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन AIB का कर सकते हैं। अब हमारे दूसरा क्वेश्चन आता है कि लास्ट डेट क्या है पेमेंट करने की। आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो पेमेंट करने की लास्ट डेट है 10th ऑफ दिसंबर। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 20 अक्टूबर को ये अपडेट पूरी की पूरी नोटिफिकेशन बताई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो 10th ऑफ दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी डेट अब कर दी गई है, जो लोगों ने फॉर्म भर के रख दिया था। और जो पेमेंट जिन लोगों ने अभी तक नहीं करी थी, वो भी लोग अब इस वीडियो को ध्यान से एक एक पॉइंट समझे, क्योंकि यही एक आखिरी स्टेप है। क्योंकि अब इसके बाद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगती है कि अब आगे एग्जाम जो पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि अब फाइनल ये शेड्यूल AIB की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। अब तीसरी बात आती है लास्ट डेट फॉर कंप्लीटेशन ऑफ द फॉर्म, कि आखिरी डेट क्या है फॉर्म कंप्लीट करने की। जैसे कि जिन लोगों ने 3 दिसंबर से पहले पहले अपना फॉर्म भर दिया, 10 दिसंबर से पहले पहले अपनी पेमेंट भी कर दी, और अगर उनको कोई क्वेरी आती है, उनके मन में कोई डाउट आता है कि मैं एग्जाम सेंटर अपना चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इन सारी क्वेरी को भी आप 15 दिसंबर तक अपनी कंप्लीट करके रख दो। इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। अब फोर्थ हमारी बात आती है, सेकंड लास्ट हम बात इस वीडियो के अंदर करेंगे कि एडमिट कार्ड्स कब इशू होंगे। एडमिट कार्ड्स इशू होने की डेट है 5th ऑफ जनवरी 2021, यानी कि अगले साल 5 जनवरी 2021 को आपके एडमिट कार्ड्स इशू हो जाएंगे। आप अपने अपने एग्जाम सेंटर्स जो आपने चूज करेंगे करे होंगे 15 दिसंबर से पहले पहले, वही एडमिट कार्ड्स आपको इशू हो जाएंगे 5 जनवरी को। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कब होगा हमारा 15 टाइम जो होने वाला था, जो बहुत लोग वेट कर रहे थे कि भाई हम एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, AIB का एग्जाम क्लियर करने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम एज एन एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोग 24th ऑफ जनवरी 2021 तक का वेट जरूर करें। तो 24 जनवरी 2021 को आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एग्जाम अब पक्का होने वाला है। आप प्रिपेयर रहें, और अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो किस भी बना रखी है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसका भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। उस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 14th टाइम 2019 के अंदर पेपर हुआ था, वो पूरा का पूरा पेपर भी सॉल्व करके पूरी एक वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, 57 मिनट्स अप्रॉक्स। सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में समझा रखे हैं, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। उससे भी आपका एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जब पेपर कर रहे होंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। आपको पता होगा कि जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकेंगे। तो आप इन सारी वीडियोस को कंसिस्टेंट तौर पे जरूर देखिएगा, उससे आपका ही फायदा होगा। आप ही जब एग्जाम करेंगे तो कॉन्फिडेंट होकर आप पेपर देके आएंगे कि अब मेरा एग्जाम पूरा क्लियर होगा, एज एन एडवोकेट अब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मेरा काम था आपको सारी चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराना, और वो मैंने अपना काम करा है। अब आपका भी काम बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको मेरी डिटेल समझ में आती है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। NI एक्ट जो हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर भी आता है, उसकी भी मैंने पर्टिकुलर एक एंडोर्समेंट के टॉपिक की वीडियो बना रखी है, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हमारे NI एक्ट से भी आते हैं। इसीलिए मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था, उसीलिए मैंने उन लोगों को NI एक्ट की
भी एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, आप उस वीडियो को भी देखकर अपना डाउट एक एक पॉइंट का क्लियर कर सकते हैं। फिर भी इन सारी बातों के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट अराइज होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर या फेसबुक के मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप माइनर एक्ट्स के अंदर वीक हैं तो आप माइनर एक्ट्स का भी अपना ऑनलाइन कोर्स बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर आप अपने माइनर एक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट होगा, जीएस पोर्शन का भी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएस आती है वो भी आप टाइमली हम स्टडी करा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।